अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, FAO की। तो पॉइंटर्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो जैसा कि इसमें पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि ये UN की बॉडी है, ठीक है, तो FAO जो है वो एक UN की बॉडी है और इसको 1945 में जो है बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ज़्यादातर आपको रोम इटली में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप ऐसे भी फूड जो है वो रोम से रिलेटेड ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है ये इसका मेन जो मोटिव है, टू डिफीट द हंगर ऑल ओवर द वर्ल्ड, में से हटाना ही है हमें हंगर। और इंडिया जो है इसका एक मेंबर है ऑब्वियसली। और साथ ही साथ में इसकी थ्योरी ये कहती है कि इट एक्ट एज अ न्यूट्रल फोरम, ठीक है, कि ये एक न्यूट्रल फोरम है वेयर ऑल द नेशंस, सभी नेशंस मीट एज इक्वल टू नेगोशिएट, मतलब सबको इक्वल नेगोशिएट करने का अधिकार है। ये नहीं कि किसी को वोटिंग राइट के आधार पर ज़्यादा बोलने का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सभी जो नेशंस हैं वो इक्वली डिबेट को कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं एग्रीमेंट्स को लेके, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन भी है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड कंट्रीज़ इन ट्रांजिशन मॉडर्नाइज। किस चीज़ में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये कैसे हेल्प करती है कि उनकी जो एग्रीकल्चर, फिशरीज़, फॉरेस्ट्री, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सेक्टर्स हैं वो इम्प्रूव हो सके बाय द न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड इंश्योर करती है गुड इन न्यूट्रिशन देने के लिए और फूड सिक्योरिटी देने के लिए सभी को, ठीक है। और अब एक बारी दोबारा से देख लेते हैं FAO के दोबारा से पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात की ये UN की बॉडी है, 1945 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में है, और टू डिफीट करना हंगर को ऑल ओवर द वर्ल्ड में से ये इसका एम है। इंडिया इसका मेंबर है। और साथ ही साथ में इसकी थ्योरी जो है वो ये एक्ट करती है कि ये एक न्यूट्रल फोरम है जिसमें सभी नेशंस को इक्वल राइट्स हैं, वो नेगोशिएट कर सके एंड डिबेट कर सके पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स पे। और साथ ही साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन भी है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करती है कि वो मॉडर्नाइज कर सके और इम्प्रूव कर सके अपनी एग्रीकल्चर, फिशरीज़, फॉरेस्ट्री जो सेक्टर्स हैं उसको, और इंश्योर करती है गुड न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। थैंक यू।